हेलो फ्रेंड्स, ममताज क्रिएशंस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं एक यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये बंद करेला है, ये कभी कभी आते हैं तो इसमें बिल्कुल ककोड़े जैसे दिखते हैं और ककोड़े और करेले का मिक्स टेस्ट आता है। ये वाली सब्जी फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, तो मैं हमेशा ऐसी यूनिक रेसिपी लेके आती हूँ। चपाती से, पूड़ी से, पराठे से, किसी से भी खाएँ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आज मैं अपनी सिस्टर के यहाँ आई हुई हूँ, तो ये आगरा और धौलपुर की साइड में मिलते हैं। तो जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई तो सभी को बहुत पसंद आई और सब ने चटकारे ले लेके खाए। तो मेरे पास आज ट्राइपॉड नहीं है तो मैं बिना ट्राइपॉड के बनाऊंगी, तो गौर मत कीजिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हमने ये करेले ले लिए, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ककड़े की तरह लग रहे हैं। तो हमने ये आधा किलो लिए, तो इनके जो ऊपर धागे हैं इनको हम हटा लेंगे। तो मैंने धो के इनको अच्छे से सुखा लिया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इनको अच्छे से साफ करके मैंने इसको दो टुकड़ों में काटा है। तो इसका टेस्ट करेले से बिल्कुल हटके होता है, लेकिन इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल करेले की तरह होते हैं। तो इनके जो बीज पक जाते हैं उनको हम हटा देंगे। और इसके साथ ही मैंने दो प्याज को लंबा लंबा पतला पतला काट लिया। अब गैस की ओर चलेंगे और एक पैन ले लेते हैं, और पैन में हम दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जिसको हम सरसों का तेल भी कहते हैं। तो ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी लगती है, तो अच्छे से इसको गर्म करना होता है। तो मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें एक चम्मच मेथी दाना डालेंगे और इसमें दो चम्मच सौंफ डालेंगे। तो सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इनको अच्छे से तड़का लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो करेले काटे हैं इनको डालेंगे, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। पहले इनको भून लेते हैं, पलट पलट करते हुए इनको हम भून लेंगे। तो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो हमें कभी कभी मिलती हैं, तो ये आगरा और धौलपुर की साइड में मिलती हैं। तो यूपी में इसकी सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है, तो मुझे बहुत ही पसंद आई जब मैंने पहली बार इसको खाया। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये करेले मिले आप ज़रूर बना के खाइए, बहुत हेल्दी होते हैं, फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो नमक की वजह से अच्छे से गल जाते हैं, तो इनको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और इसी के साथ हम जो प्याज काटी थी वो भी डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इनको हमें अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ ही दोनों चीज़ें भुन जाएंगी और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो सभी को मिक्स कर लेते हैं और इनको भून लेते हैं और इनको फैला के अच्छे से सेट कर देते हैं। तो लंबा लंबा प्याज हमने इसलिए काटा था क्योंकि इसकी एक एक परत खुल जाती है। तो इस तरह हम इसको तो फैला के इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें आधा ही चम्मच गरम मसाला डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इनको क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा अच्छी लगती हैं। तो ये करेले हैं एक तरह से, तो करेले वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमें जब भी मिले जब खाना चाहिए। सीजन में जो भी सब्जी आए तो हमें खाना चाहिए, तो ये भी सीजनल सब्जी है, तो ये भी कभी कभी आते हैं। कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। तो इससे मसालेदार सब्जी बनके हमारी तैयार होगी। तो इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये भी बताइए कि आपके यहाँ ये करेले मिलते हैं नहीं, और इसे किस नाम से बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इनको सभी को मिक्स कर लिया। अब इसके बीच में हम थोड़ी जगह बनाएंगे और इसमें आधा चम्मच शक्कर डालेंगे, तो शक्कर से और खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। आप यदि शक्कर डालना ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करेले का टेस्ट दुगना हो जाता है। और आप चाहें तो इसमें एक चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने ये बिना बेसन के ही बनाए। तो इनको अच्छे से हम भून लेते हैं और क्रिस्पी कर लेते हैं। अब वापस से हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे और मैंने दो मिर्ची को बारीक काटा, दो मिर्ची को साबुत रखा है। अगर इस तरह हम बनाएंगे तो ये बहुत ही यूनिक सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसको प्याज के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऊपर से डाला है। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो इनको अच्छे से सभी को अलट पलट करके मिक्स कर लिया और इनको भून लेते हैं। तो करेले को हम जितना भूनेंगे उतना ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन हमें इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो इनको हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, तो पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप रोटी के साथ खाएं, आप सफ़र में जा रहे हो
तो इनको एक दिन पहले बना के भी रख सकते हैं, तो 8 दिन तक ये ख़राब नहीं होंगे। और ये पूड़ी पराठे सभी से अच्छे लगते हैं, दाल चावल के साथ भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो करेले अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी डिलीशियस सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो ऐसी सब्ज़ी हमें कभी कभी मिलती हैं, तो इनको हमें ज़रूर से खाना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हेल्दी सब्ज़ी होती है। तो इसमें करेले और ककोड़े जैसा मिक्स टेस्ट आता है और देखने में भी ककोड़े जैसे लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो भर भर के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स सब्ज़ी कैसी बनी। और आप मेरे लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर ऐसी यूनिक रेसिपी में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।